8 मार्च 2019 को उदयपुर के कनौतागढ़ पैलेस में खूब रौनक थी। सियासत से लेकर सिनेमा और उद्योग जगत की तमाम हस्तियां देश विदेश के मेहमान मौजूद थे। मौका था राजस्थान के ओमेट रियासत की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत और हिमाचल प्रदेश के बुशहर राजघराने के विक्रमादित्य सिंह की शादी का। तमाम मेहमान दो राज परिवारों के जश्न में शरीक हो रहे थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुशहर राजघराने के राजा रहे वीरभद्र सिंह की दिली ख्वाहिश थी कि उनके बेटे का रिश्ता राजघराने में हो, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन शादी के 3 साल बीतते बीतते यह रिश्ता कोर्ट की दहलीज पर खड़ा हुआ है। सुदर्शिता चुंडावत ने अपने पति और शिमला से विधायक विक्रमादित्य सिंह और सास प्रतिभा सिंह पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस की मांग करते हुए कोर्ट में घसीट लिया है। इसी मामले में उदयपुर की कोर्ट ने विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां व हिमाचल के मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह को समन भेजा है। सुदर्शना चुंडावत ने अपनी FIR में पति विक्रमादित्य सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उनका चंडीगढ़ की रहने वाली अमरीन नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों शादी की तैयारी कर रहे हैं। बकौल सुदर्शना, दोनों का अफेयर तभी से चल रहा था जब उनके ससुर वीरभद्र सिंह जिंदा थे। जब वीरभद्र को इस अफेयर के बारे में पता चला था, वे आग बबूला हो गए थे। सुदर्शना ने दावा किया कि वह वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को उस लड़की से दूर रहने की नसीहत दी थी। खिलाफ जाने पर जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे डाली थी। वीरभद्र सिंह नहीं चाहते थे कि जिस रिश्ते को उन्होंने मेहनत से जोड़ा था, उसका इस तरह से मजाक बने। सुदर्शना ने लिखा कि इसलिए विक्रमादित्य तब तक चुप थे तब तक उनके पिता वीरभद्र सिंह जिंदा थे। सुदर्शना ने FIR में एक और संगीन आरोप लगाया है। लिखा है कि जब उन्होंने अपनी सास प्रतिभा सिंह से पति विक्रमादित्य के अफेयर के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि दोनों की शादी एक पंडित के कहने पर कराई गई थी। उस पंडित का कहना था कि अगर विक्रमादित्य ने पहले अपनी कथित गर्लफ्रेंड अमरीन से शादी कर ली तो उसका असमय निधन हो सकता है, इसलिए पहले उसे किसी और महिला से शादी कर तलाक लेना होगा, तभी दूसरी शादी कर सकता है। सुदर्शना ने लिखा कि उनके परिवार ने शादी के वक्त स्त्री धन के रूप में लाखों के गहने दिए, जो अभी भी उनके ससुराल वालों के पास है। FIR की कॉपी में सुदर्शना ने सोने चांदी के तमाम गहनों की लंबी लिस्ट भी दी है। बता दें कि सुदर्शना ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके पति विक्रमादित्य ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें ड्रग्स दिया है, कमरे में CCTV लगवा दिए थे। उधर विक्रमादित्य सिंह ने सुदर्शना के तमाम आरोपों से किनारा किया है, घरेलू हिंसा दहेज जैसी बातों से सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी जिंदगी आईने की तरह एकदम साफ है। ये मामला कहां तक जाता है ये देखना अभी भी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज TV। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।